तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ई पास एक जनरेट हुआ है, अभी गवर्नमेंट ने जनरेट किया है कोविड के लिए। या दोस्तों, जैसे आपका फर्स्ट डोज हो गया, सेकंड डोज हो गया, आपके डबल डोज हो गए हैं वैक्सीनेटेड के कंप्लीट, तो आप ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और कहीं पर भी आप जाएंगे, जैसे मॉल में जाएंगे, किसी शॉप पर जाएंगे, आप मेट्रो में जाएंगे, देश या विदेश कहीं पर भी जाएंगे, आप गवर्नमेंट में सब जगह ई पास चलेगा। क्योंकि अगर आपको जैसे वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड है, आपके दोनों वैक्सीनेटेड कंप्लीट हो गए हैं, तो आपको फर्स्ट और सेकंड सर्टिफिकेट रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप केवल ई पास को डाउनलोड करेंगे और वहां से उस सर्टिफिकेट को आप अपने मोबाइल में सेव करके रखेंगे या उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हैं, उसको जहां पर भी आपसे मांगा जाए तो आप उस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं और वो आपका फुली मान्य हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका नाम है यूनिवर्सल पास, जो आपको मिल जाएगा। यूनिवर्सल पास की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव कर दिया है और इसका इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। फ्रेंड्स, इसकी वेबसाइट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप सीधे से वेबसाइट पर जा सकते हैं और यूनिवर्सल पास सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं और वीडियो आपको पूरा दिखाते हैं लाइव कि किस तरीके से आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है वेबसाइट पर जाके। तो फ्रेंड्स, हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ आप देख सकते हैं यूनिवर्सल पास का वेबसाइट आ गया है दोस्तों। मैंने इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, रजिस्टर योर एस्टेब्लिशमेंट, लॉग इन, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है सिटीजन यूनिवर्सल पास फॉर डबल वैक्सीनेटेड सिटीजंस। फ्रेंड्स, जो मोबाइल आपने रजिस्टर कराया था वैक्सीनेशन के समय, वही मोबाइल आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पास फॉर डबल वैक्सीनेटेड सिटीजंस जो ऑप्शन है उस पर करते हैं हम क्लिक। जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सल पासपोर्ट डबल वैक्सीनेटेड सिटीजंस का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे मांगा जा रहा है मोबाइल नंबर, चलिए हम अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देते हैं जो हमने वैक्सीनेशन के समय रजिस्टर किया था, जब जो मोबाइल नंबर दिया था। और रजिस्टर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये हमारे मोबाइल पर ओटीपी आ जाएगा। इसी ओटीपी को हम यहाँ पर एंटर कर देंगे, और ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो सबमिट का बटन है, उस सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, और देख सकते हैं दोस्तों, जैसे हमने सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया है पास कैन बी इशूड आफ्टर 14 डेज ऑफ सेकंड वैक्सीनेशन। 14 दिन के बाद वैक्सीनेशन का जो सेकंड डोज होता है, उसके बाद आपका पास बनेगा, उससे पहले आपका पास नहीं बनेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कैंडिडेट का यहाँ पे नाम है, यानी दो इस मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्शन में लिखा रहा है जनरेट पास। तो चलिए जनरेट पास पे हम क्लिक करते हैं, और जैसे ही हमने पास पे क्लिक किया, पूरा डिटेल आ गया यहाँ पे, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी आईडी, जेंडर, इयर्स ऑफ बर्थ, वैक्सीनेशन डेट ऑफ फर्स्ट डोज, डेट ऑफ सेकंड डोज, सेल्फ फोटो। तो यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मोबाइल में से एक फोटो अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये फोटो हमने सेलेक्ट कर लिया है दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद आई कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे और आपका फोटो सेलेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे हमने आई कन्फर्म पर क्लिक किया, तो यहाँ पे आ गया है मैक्सिमम इमेज साइज शुड बी 3 MB, यानी 3 MB से ज्यादा का साइज है इसलिए सबमिट नहीं होगा, 3 MB से कम का साइज आपको सबमिट करना है। चलिए हम मोबाइल में चलते हैं और अपने इस फोटो को क्रॉप कर लेते हैं, इसका साइज कम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा इमेज है ये यहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर एडिट में आ गए फ्रेंड्स, और इसको कर लेते हैं क्रॉप, इसका साइज कर लेते हैं थोड़ा सा कम, और कम करने के बाद इसको देखेंगे कि हमारा जो साइज है वो कम हो गया कि नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों, 2.62 MB यहाँ पर डिटेल में आपका साइज दिखा रहा है, ये सफिशियंट है, ये हमारा फोटो अपलोड हो जाएगा। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, आई कन्फर्म पर दोबारा से हम क्लिक करते हैं, और देखिए क्लिक हो गया है, और क्लिक होने के बाद इसको कर देंगे हम अप्लाई, तो हमारा फोटो सबमिट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही हमने अप्लाई पे क्लिक किया फ्रेंड्स, यूनिवर्सल पास विल बी सेंड टू यू इन 24 आवर्स ऑन SMS। SMS के जरिए आपके मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड है उस पर मैसेज आ जाएगा कि आपका पास बन गया है। आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं दूसरे दिन, और दोस्तों दूसरे दिन हमने आफ्टर 24 आवर्स इस वेबसाइट को ओपन किया। तो चलिए हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं, वही पूरी सारी डिटेल हम यहाँ पे फिल कर देते हैं जैसा हमने पहले किया था। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पर ओटीपी भी हम टाइप कर देते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, तो जैसा कि हमने पिछली बार किया था। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर व्यू पास का ऑप्शन आ गया है, चेंज फोटो का ऑप्शन आ गया है जो पहले नहीं आ रहा था, यानी हमारा पास रेडी हो गया है। चलिए व्यू पास पे क्लिक करते हैं और अपने पास को देख लेते हैं कि बनाए कि नहीं। फेचिंग पास प्लीज वेट, और फेचिंग हो रहा था, उसके बाद देख सकते हैं आप यूनिवर्सल पास का सर्टिफिकेट हमारा बन गया। यहाँ पे आ गया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, यानी इसका इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम आ गया, यहाँ पे जेंडर आ गया, यहाँ पे आ गया एज, और ट्रेवल कैटेगरी आ गया है जिसमें लिखा हुआ है Level 3 वैक्सीनेटेड। यहाँ पे आपको रेफरेंस आईडी भी मिल जाएगा, डोज फर्स्ट सेकेंड दोनों की डेट मिल जाएगी आपको,
और इस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ में इस सर्टिफिकेट को आप मोबाइल में रख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कहीं पर भी जहां पर भी आप जाएंगे अगर आपसे पूछा जाता है कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, तब वहां पर आप इस सर्टिफिकेट को दिखा सकते हैं और ये आपका अप्रूव हो जाएगा, सब जगह मान हो जाएगा। तो दोस्तों हमने कर लिया इसको डाउनलोड और देखते हैं इसको ओपन करके, इसको ओपन हमने पीडीएफ में किया है, देख सकते हैं आप यूनिवर्सल पास का सर्टिफिकेट हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो गया है। इस तरीके से दोस्तों आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल हमने इस वीडियो में आपको बता दिया किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना था और किस तरीके से आपको इस यूनिवर्सल पास को डाउनलोड करना है। तो फ्रेंड्स ये था यूनिवर्सल पास को डाउनलोड करने का पूरा प्रोसीजर, आप हमारे वीडियो को देखते स्टेप बाय स्टेप इस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके सीधा वेबसाइट पर आप जा सकते हैं और ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।